एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल भी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हम इसकी इंग्लिश देखेंगे और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू एक दूध वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, सिंपल है कि वो क्या है, एक दूध वाला है। तो हम इसको बनाएंगे इज एम आर लगाकर। क्या लगना है वो भी हम देखते हैं। अब रामू, रामू क्या है, थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज। रामू इज अ मिल्क मैन, ठीक है। दूध वाला मीन्स मिल्क मैन। उसके पास एक बड़ी काली गाय है। अब जब भी कोई चीज पास होना तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं, है ना। आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं, ही शी इट के या किसी नेम के साथ हम हैज लगाते हैं, यही होता है ना। उसके पास ही हैज अ एक क्या है, बड़ी बिग ब्लैक काउ, ठीक है। ही हैज अ बिग ब्लैक काउ, क्लियर है। मीन्स पास होना मीन्स हैज या हैव लगाकर बताते हैं। वह प्रतिदिन सुबह गाय का दूध बाजार में बेचता है। प्रतिदिन ये उसकी क्या है, आदत है। आदत के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट को, है ना। वह प्रतिदिन ये काम करता है, कौन सा काम, गाय का दूध बाजार में बेचने का काम करता है। ही, बेचने का क्या होता है, सेल। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, सेल्स। मीन्स अब कंप्लीट हुआ, वह बेचता है। आगे देखते हैं, ही सेल्स क्या बेचता है, काउ मिल्क। कहां बेचता है, इन द मार्केट, ठीक है। कब बेचता है, एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह। आया समझ में। रामू इज अ मिल्कमैन, सिंपल सेंटेंस है। ही हैज अ बिग ब्लैक काउ। कोई भी चीज को होना तो हम हैज लगाकर बताते हैं। प्रेजेंट में हैज हैव लगता है, पास्ट में अगर हो तो हम हैड लगाते हैं। वह हर रोज बेचता है, ता है ते है का सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और उसकी आदत भी है। ही सेल्स काउ मिल्क इन द मार्केट एवरी मॉर्निंग। वह धन को घर में लाता है और अपनी माँ को देता है, ठीक है। ही, लाने की क्या होती है, पहले हम यहां तक बनाएंगे। लाना मीन्स ब्रिंग, ब्रिंग, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही ब्रिंग्स, वह लाता है, इतने की क्या सेंस बनती है, वह लाता है, क्योंकि क्या है ये, प्रेजेंट इनडेफिनिट है। ही ब्रिंग्स द, क्या लाता है, मनी। ही ब्रिंग्स द मनी टू हिज हाउस, अपने घर में लाता है, ठीक है। वह धन को घर में लाता है। ही ब्रिंग्स द मनी टू हिज हाउस एंड अपनी माँ को देता है, ठीक है, गिव्स। अब यहां पर हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कौन कर रहा है ये काम, यही है ना, ही, वह कर रहा है, तो इसके साथ हमने कंजंक्शन लगा दिया एंड, तो हम सब्जेक्ट को हम अब दोबारा नहीं लगाएंगे। ही ब्रिंग्स द मनी टू हिज हाउस एंड गिव्स मीन्स देता है, किसको देता है, इट टू हिज मदर, अपनी माँ को। इट मीन्स यहां पर पैसे के लिए लगाया गया है। गिव्स इट मीन्स उन्हें देता है, टू हिज मदर, अपनी माँ को देता है, क्लियर है। लेकिन उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है, लेकिन नहीं, नेगेटिव वाला है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डू या डज लगाकर। आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते हैं, ही शी इट के किसी नेम के साथ हम डज का यूज करते हैं। अब उसकी माँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसकी माँ उसको पैसे नहीं देती है ना, तो क्या बनाएंगे, लेकिन, बट हिज मदर, क्या लगाएंगे, डज नॉट, नहीं देती है। हिज मदर डज नॉट
गिव हिम फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डज लग चुका है. जब भी डू या डज लग जाए उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. डज नॉट गिव हिम मनी. ठीक है, आगे देखिए. एक दिन रामू सुबह जल्दी उठता है. एक दिन रामू, वन डे रामू सुबह जल्दी उठता है. रामू या फिर ही गेट्स अप, कुछ भी लगा सकते हैं. यहां पर हम रामू भी लगा सकते हैं या फिर ही गेट्स अप. गेट्स अप मीन्स जल्दी उठता है. अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, एक दिन रामू सुबह जल्दी उठता है. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गेट के साथ हमने एस लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है और रामू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक है. और अपनी गाय का दूध निकालता है. एंड मिल्क, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस. मिल्क्स हिज काउ. दूध निकालना मीन्स मिल्क्स हिज काउ. उस समय उसकी माँ सो रही है या फिर उसकी माँ सो रही होती है. कुछ भी आप सेंस लगा सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही आएगा. उस समय, एट दैट टाइम हिज मदर इज स्लीपिंग. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एट दैट टाइम उस समय उसकी माँ सो रही होती है या फिर सो रही है. मदर इज स्लीपिंग. वह अपनी माँ को बिना बताए दूध को बाजार में बेच देता है. प्रेजेंट इंडेफिनेट है. ही कौन बेचता है, वह है ना. ही सेल्स बेचने की, लेकिन यहां पर हम एस लगाएंगे तब बनेगा. ही अगर हम ही सेल लगाएंगे तो गलत होगा सेंटेंस हमारा. ही सेल्स मीन्स वह बेचता है. क्या बेचता है, मिल्क. ही सेल्स द मिल्क. कहाँ बेचता है, इन द मार्केट. ठीक है, किसको बताए बिना, माँ को बताए बिना. विदाउट, विदाउट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है. तो मीन्स बताना, बताना मीन्स टेलिंग. ये क्या है, जेरंड का काम कर रहा है यहां पर. विदाउट टेलिंग हिज मदर, माँ को, अपनी माँ को बिना बताए वो बाजार में दूध बेचता है. वह रास्ते में यह सोचता है कि वह अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा. वह रास्ते में सोचता है. कैसे बनाएंगे, ऑन द वे. ऑन द वे मीन्स रास्ते में. ही थिंक्स, थिंक के साथ हमने एस लगाया. वह सोचता है. ही थिंक्स दैट कि ही विल. अब देखिए, वह अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा. गागेगी से खत्म हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट का काम है यहां पर. वही उसी का स्ट्रक्चर लगेगा. ही विल नहीं देगा तो ही विल नॉट. गिव ऑल द मनी, सारे पैसे किसको, टू हिज मदर. अपनी माँ को नहीं देगा. ठीक है, वे अपनी माँ को बिना बताए दूध को बाजार में बेच देता है. ही सेल्स द मिल्क इन द मार्केट विदाउट टेलिंग. माँ को बिना बताए, विदाउट टेलिंग हिज मदर. यहाँ पर हमने वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या किया, टेल में हमने आईएनजी जोड़ दिया. तो ये क्या बन गया, जिरेंट मीन्स बिना बताए, विदाउट टेलिंग हिज मदर. ऑन द वे ही थिंक्स, रास्ते में वो सोचता है कि ही विल नॉट गिव ऑल द मनी टू हिज मदर, कि वो अपनी माँ को सारे पैसे नहीं देगा. वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा. कौन सा है, फ्यूचर इनडेफिनेट है. ही विल सेव. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगे, यही होता है ना, आई वी यू दे. बच्चे कहते हैं कि मैम आई के साथ शेल लगेगा. ये जो था शेल का जो फॉर्मूला है, ये मतलब पास्ट में लाइक इसका जो वो हो गया है ना, वो बहुत पुराना हो चुका है. ये
ओल्ड वर्जन में, इंग्लिश के ओल्ड वर्जन में हम क्या लगाते थे, पहले आई के साथ हम शेल लगाते थे, आई वी के साथ, है ना। लेकिन अब क्या है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल लगा सकते हैं। आपका जो भी सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। ही विल सेव सम मनी, कुछ पैसे बचाएगा। ही विल सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ, किसके लिए, अपने लिए, मीन्स खुद के लिए, फॉर हिमसेल्फ, और कुछ समय बाद उसके पास काफी धन हो जाएगा। और कुछ समय बाद, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही विल हैव मीन्स उसके पास काफी धन हो जाएगा, ठीक है। ही विल हैव क्या है, यहां पर हैव की भी वर्ब की फॉर्म होती है, हैव हैड हैड, ठीक है। वर्ब का जो फॉर्म होती है, तो हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ही विल हैव उसके पास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ये हैव वो वाला नहीं है जो परफेक्ट में यूज होता है या फिर पास होने के लिए, नहीं। ही विल हैव मीन्स हैव फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, मीन्स होना, ठीक है। वह उस धन से गाय और भैंस खरीदेगा, उस धन से। ही विल बाय, खरीदेगा, ही विल बाय, यहां तक हुआ। वह खरीदेगा, क्या खरीदेगा, काउस, एंड भैंसी की क्या होती है, बफेलोज, विद दैट मनी, उस पैसे से। आया समझ में, ही विल बाय काउज एंड बफेलोज विद दैट मनी, उस पैसे से वो गाय और भैंसे खरीदेगा। विल बाय फ्यूचर इनडेफिनिट है। एंड एक दिन एक अमीर आदमी वह बन जाएगा, एक अमीर आदमी। एंड ही विल बिकम, फर्स्ट फॉर्म लगी, ही विल बिकम, वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अ रिच मैन, एक अमीर आदमी बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्टोरी छोटी सी। मैं आपको कहूंगी कि लाइक जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाए हैं कि वो अमीर आदमी बन जाएगा, वो खरीदेगा, इस तरह से आप इनको चेंज करके सेंटेंस को बनाकर देखिए, ये स्ट्रक्चर लगाने स्टार्ट करिए। जब आपके स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, तब आप एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़िए, ठीक है। अभी लाइक जैसे जेरेंट और इन्फिनिटिव, ये सब इनको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जो लोग बिगिनर्स हैं। पहले आप टेंसेस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करके देखिए, और बोलने में इनको यूज करिए घर पे फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, ठीक है। तब आप पहले अपनी नींव जो है उसको पक्का कीजिए, फिर आप एडवांस इंग्लिश की तरफ पढ़िए, और आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा फिर एडवांस इंग्लिश भी, ठीक है। फिर वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। पहले स्ट्रक्चर्स को मजबूत कीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर हो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से स्ट्रक्चर में बनाया गया है ये सेंटेंस, उसको यूज करें, सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।